गुड मॉर्निंग नर्सरी क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश सब्जेक्ट एंड टॉपिक इज हाउ टू राइट लेटर के. ओके, आज हम सीखेंगे कैसे के लिखते हैं. आप सोच सकते हो जे मैम बीच बीच में ऐसा कैसे पढ़ा रहे हो, अगले दिन ए पढ़ाया, फिर आज मैम के पढ़ा रहे, ऐसे कैसे. तो ये ऐसे है, हम जो जो हम लाइन सीख रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम लेटर बनाना सीख रहे हैं. देखो हमने ये जो लाइन हमने सीखा था स्लैंटिंग लाइन, इस स्लैंटिंग लाइन के अकॉर्डिंग टू स्लैंटिंग लाइन हमने ए लिखा और फिर के लिखा. आगे भी हम स्लैंटिंग लाइन की अकॉर्डिंग ही हम और भी जो लेटर है वो सारे हम सीखेंगे. हम सिक्वेंसली नहीं सीखेंगे. ओके, जैसे हम सबसे पहले देखो जो स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन हमने जो सीखे थे उसके अकॉर्डिंग ही हमने लेटर्स सीखे थे. ओके, तो ये भी हम आज जो स्लैंटिंग लाइन सीख चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लेटर बनाना सीख रहे हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने स्लैंटिंग लाइन की अकॉर्डिंग हमने ए बनाना सिखाया है. आज हम सीखेंगे के बनाना. ठीक है, क्या सीखेंगे के. देखो मैम जैसा जैसा आपको कलर करना है सबसे पहले के में जैसा मैम एरो दे रहा है ना उसकी एरो के अकॉर्डिंग आपको कलर करना है. ठीक है, और कलर एकदम बाहर नहीं जाएगा. ओके, तो आपका ये कौन से लेटर है, विच लेटर इज दिस, दिस लेटर इज के. के फॉर काइट एंड के फॉर केटल. ओके, तो ये कौन सी लाइन है, विच लाइन इज दिस, दिस इज स्टैंडिंग लाइन. ओके, एंड विच लाइन दिस, दिस इज स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन. ठीक है, दो स्लैंटिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से आज हम के बनाएंगे. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसमें कलर करेंगे. देखो मैम जैसे एरो दिया है ना एरो के अकॉर्डिंग ही हम कलर करेंगे, और आपका जो हाथ है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलाना है. जैसे एरो दिया है वैसे. देखो स्टैंडिंग लाइन हमने क्या सीखा था, अप टू डाउन आना है. तो एरो भी देखो अप टू डाउन की तरफ है, तो आप भी अप टू डाउन करके आप इसको एरो को कलर करोगे. ओके, देखो मैम कैसे कलर कर रहे हैं स्टैंडिंग लाइन. ओके, दिस इज स्टैंडिंग लाइन. एंड आफ्टर देन आफ्टर क्या करना है आपको, स्लैंटिंग लाइन को यह क्या है, डाउन टू अप. आपको देखो डाउन टू अप ऐसा ऐसा. ओके, अप टू डाउन इसमें भी स्लैंटिंग, थोड़ा सा तिरछा आपको इस लाइन को बनाना है. ओके, तो आपका ये स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग का मतलब है तिरछा, स्टैंडिंग का मतलब है खड़ी लाइन. और तिरछी लाइन की मदद से हम आज कौन सा लेटर सीखे, आज हम सीख रहे हैं के, लेटर के. ओके, तो विच लेटर इज दिस, दिस इज के, लेटर के. के फॉर काइट, के फॉर केटल, ये होता है ना. ओके, तो ये हमने के लिख, के को कलर किया. देखो ये स्टैंडिंग लाइन एंड देन टू स्लैंटिंग लाइन. ओके, तो स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से आज हमने कौन सा लेटर सीखा, लेटर के. अब आते नीचे, देखो मैम ने के फॉर क्या क्या बनाया, के फॉर काइट, के फॉर केटल. ओके, तो हम काइट को और केटल को भी हम कलर करते हैं. आप भी आपके अकॉर्डिंग कलर करोगे, जो आपको पसंद है उसी से कलर करोगे. ओके, तो मेरे को ये ब्लू कलर पसंद है, स्काई ब्लू, तो मैंने काइट के अंदर स्काई ब्लू कलर कर रही हूँ. ओके, देखो मैम की कलर देख रहे हो आप लोग, देखो कितना अच्छा कलर हो रहा है और बाहर भी नहीं जा रहा है. आपको भी ध्यान में रखना है कलर बाहर नहीं जाना चाहिए, तो देखने में अच्छा नहीं लगा. देखो मैम का थोड़ा सा बाहर चला गया, तो आप ध्यान से करना है. ओके, तो ये काइट हो गया. फिर नेक्स्ट आता है इसमें केटल में कलर करना है, तो केटल में मैंने कलर कर रही हूँ. क्या है ये, टी पॉट बोलते हो, केटल, के फॉर केटल. ओके, तो आप केटल को और काइट को हमने कलर कर दिया. तो ये हो गया आपका के, हेल्प ऑफ राइट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडिंग एंड स्लैंडिंग लाइन, एंड के फॉर काइट एंड के फॉर केटल. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, हम देखो मैम ने यहाँ पे कुछ डॉट लगाया, अभी हम के लिखेंगे डॉट की सहायता से. ओके, देखो मैम ने यहाँ पे ये जो
इंग्लिश वाली कॉपी में फोर लाइंस होती है, 1 2 3 4। मैम ने देखो नीचे वाला ब्लू लाइन रेड लाइन को टच नहीं किया, ऊपर से लेके ब्लू लाइन तक मैम ने देखो 3 डॉट लगाया, फिर यहाँ पे 2 डॉट, एक रेड लाइन में एक ब्लू लाइन में आपको डॉट लगा के दिए हैं। तो आपको भी डॉट के साथ डॉट ज्वाइन करके के लिखना है। ओके, देखो मैम ने कैसे लिखा, सबसे पहले ये जो डॉट है इसमें आप ज्वाइन करके स्टैंडिंग लाइन बनाओ। ओके, एंड देन मेक अ स्लैंटिंग लाइन, देखो मिडिल से ऊपर और मिडिल से नीचे आएगा, एक स्लैंटिंग लाइन अप और दूसरा स्लैंटिंग लाइन डाउन, वो भी मिडिल से। ओके, सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन एंड देन मेक अ स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन, मेक अ लेटर के, के फॉर काइट, के फॉर कैटल। ओके, तो मैम कैसे लिख रहा है देखो, पहले स्टैंडिंग लाइन बनाया, स्टैंडिंग लाइन के बीच में देखो मिडिल में एक डॉट है, उस डॉट से लेके यहाँ तक एक डॉट है उसको ज्वाइन किया, फिर मिडिल से नीचे आ गया स्लैंटिंग, दूसरा स्लैंटिंग लाइन बनाने के लिए, फिर देखो नीचे फिर से ये स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन। ओके, तो मेक्स अ लेटर के, स्टैंडिंग लाइन पहले बनाया फिर स्लैंटिंग लाइन को बनाया, पहले स्टैंडिंग लाइन फिर स्लैंटिंग लाइन। तो आप ये कौन सी लेटर बन रहा है आप लोग बोलो, यस ये लेटर के। कौन सी लाइन्स की मदद से हम ये लिख रहे हैं, ये स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से हम आज के लिख रहे हैं। ओके, तो ये जो है ये डॉट टू डॉट ही आपको ज्वाइन करना है, जब तक आप डॉट टू डॉट नहीं ज्वाइन करोगे तो आपका के नहीं बनेगा, और के नहीं बनेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज हमने क्या लिखा, आज हमने लेटर के लिखना सीखा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। ओके, तो आपका क्या होमवर्क रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा सबसे पहले के लिख के इसके अंदर अच्छे से अकॉर्डिंग टू एरो आपको कलर करना है, उसके बाद नीचे देखो 2 ऑब्जेक्ट्स दिया है उसको आप कलर करना है, फिर डॉट की हेल्प से आपको के लिखना है। ओके, तो आज हमने लेटर के लिखना सीखे, आप भी घर पे अच्छा अच्छा नीट एंड क्लीन आपकी नोटबुक में लिखोगे। ओके, थैंक यू।